दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। मैं आज आपको गैदर के बूट के बारे में आप बताने जा रहा हूँ कि हम गैदर की प्रेशर फुट को कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, मेरे पास दो प्रेशर फुट हैं गैदर के। एक तो ये होता है, देखिए ये जो नॉर्मली हम देखते हैं, ये इसमें एक नट होता है पीछे की साइड से, और इसमें हम लूज और टाइट कर सकते हैं गैदर के लिए। एक तो ये है, इसका मॉडल नंबर ये देखिए, सुसेई P952। एक तो ये है, और दूसरा एक और मेरे पास गैदर का प्रेशर फुट है, ये देखिए दूसरा वाला ये है, ये है, ये सुसोई का P50N है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों से काम एक ही तरह होता है, इससे हम दोनों से ही गैदर डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेशर फुट मैंने निकाल लिया। देखिए ये है, पहले मैं इस प्रेशर फुट को लगा के दिखाता हूँ आपको। इसमें ये जो नट वाला है, इसको टाइट कर लेंगे नट को अच्छी तरह, फिर नडल की पोजीशन को हम डाउन करते हैं। नडल की पोजीशन को डाउन करने के बाद में ये इसमें जो ये नट होता है, इसको ढीला करके, और फिर इस नट को ढीला करने के बाद ये होता है कि जो प्रेशर फुट होता है वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए अब इसमें काफी हल्का गैदर आ रहा है। अब इसको गैदर को हम चार जगह से हम गैदर को एडजस्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है इसका कि अगर इस नट को हम टाइट करते हैं तो गैदर जो हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए पहले ये बहुत हल्का गैदर था, अब ये गैदर ज्यादा हो रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से गैदर कपड़े में आ रही। ये देखिए इस फ्रेम में अच्छी तरह से गैदर आ रहा। और देखिए गैदर में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे बहुत ही सुंदर, इस प्रेशर फुट को लगाने के बाद गैदर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गैदर के प्रेशर फुट को हम कहाँ कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि इसमें गैदर कम और ज्यादा हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ये नट था, ये वाला नट, इसको अगर हम टाइट करते हैं, ये अभी मैंने फुल टाइट कर रखा है, अगर हम इसको टाइट करते हैं तो गैदर जो है ज्यादा आएगी, मतलब घनी आएगी, और अगर मैं इसको ढीला करता हूँ तो गैदर उससे कम आएगी। ये देखिए, मैं जितना इसको ढीला करता रहूंगा ये गैदर उतना ही कम होता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर अब काफी कम गैदर हो गई, तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ये तो पहला था तरीका यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे टेंशन से। ये देखिए, ये जो हमारा टेंशन है, यहाँ से हम अगर इस टेंशन को टाइट करते हैं, जब धागा टाइट होता है तो गैदर और ज्यादा आने लगती है। अब मैंने टेंशन को टाइट कर दिया, अब देखिए गैदर और ज्यादा आएगी। ये देखिए, टेंशन के टाइट होने के बाद में गैदर और ज्यादा हो गई। ये देखिए बिल्कुल घनी गैदर हो गई। ये दूसरा पॉइंट था हमारा टेंशन से, टेंशन से हम गैदर को कम और ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा ये
जो नॉब होती है जहाँ से हम टाके को छोटा और बड़ा करते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं टाका छोटा करता हूँ, ये देखिए टाका अगर मैं छोटा करूंगा तो गैदर जो है कम होती जाएगी, और अगर मैं टाके को बड़ा करता हूँ तो गैदर बड़ी होती जाएगी। तो देखिए अभी मैं इसको कम कर रहा हूँ, देखिए अब मैं गैदर अगर डालूंगा तो इसमें काफी हल्की गैदर होगी, ये देखिए काफी हल्की गैदर है। अब देखिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, नॉब को बढ़ा देता हूँ, ये मैंने अभी फुल कर दिया है, तो इसमें जो है गैदर घनी आती जाएगी, ये देखिए काफी घनी गैदर है। चौथा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चौथा हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, चौथा हम एडजस्ट करते हैं अपनी जो डिब्बी होती है, बॉबिन केश होता है, यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारा ये जो धागा आ रहा है, ये देखिए अभी ये फ्री है थोड़ा सा, और यहाँ से ये फ्री आ रहा है, हल्का सा टाइट है। अगर मैं डिब्बी को और टाइट कर देता हूँ, जैसे इस ये जो नट दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इस नट को टाइट करता हूँ तो गैदर हमारी और घनी होती जाएगी, मतलब घनी होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। अगर मैं इस नट को और लूज करता हूँ हल्का सा, तो उससे क्या है कि गैदर हल्की आएगी गैदर। तो ये चार तरीके थे, इस चार तरीके से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको गैदर डालनी है तो इन चार तरीकों से आप गैदर डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मैंने अभी इस प्रेशर फुक से गैदर डाल के दिखाया, अब मैं आपको इस प्रेशर फुक को दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इस प्रेशर फुक को निकाल लेते हैं, प्रेशर फुट निकल चुका है, इसको हम लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रेशर फुट लगाने में कोई दिक्कत आती है, तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है प्रेशर फुट के बारे में, कि हम प्रेशर फुट को कैसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं और उसको लगाने का तरीका सही क्या है, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये प्रेशर फुट लग चुका है, मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रेशर फुट लगाते हैं तो यहाँ का जो नट होता है उसको हम लूज करते हैं, पहले लूज करके फिर निडल को डाउन करके फिर उस नट को टाइट कर देते हैं। इस तरीके से आप कभी प्रेशर फुट लगाएंगे तो आपका प्रेशर फुट एकदम सही तरीके से बैठ जाता है। देखिए ये देखिए इससे काफी घनी घनी गैदर आ गई, ये देखिए इससे काफी घनी गैदर आती है। अगर आपको गैदर को और कम करना है तो आप यहाँ से जो टेंशन होता है इस टेंशन को लूज करें, मैंने आपको पहले ही तरीका बता रखा है, टेंशन को लूज करें और टाके को जो छोटा कर दें, उससे क्या है कि गैदर हल्की होती जाएगी। ये देखिए गैदर काफी हल्की हो गई है। अब मैं टेंशन को अगर टाइट करता हूँ तो ये घनी होती जाती है गैदर। तो दोनों बूट को चलाने का तरीका सेम ही है, आप किसी भी बूट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बूट हो, ये प्रेशर फुट हो, चाहे ये प्रेशर फुट हो, दोनों का काम सेम है, आप इससे गैदर डाल सकते हैं। ये इस मार्केट में आपको 25 से 30 रुपए के बीच में आसपास मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो प्रेशर फुट के बारे में, गैदर का जो प्रेशर फुट है। देखिए मैं और गैदर डाल के दिखाता हूँ, देखिए ये काफी घनी गैदर आ रही है, इससे मैं इसको थोड़ा लूज कर लेता हूँ टेंशन को। देखिए ये फ्रिल है हमारी जो कपड़े में लगती है, अगर फ्रिल लगाते हैं तो काफी डिजाइन बन जाती है, काफी बढ़िया। तो इस गैदर के फुट से आप कई तरह की डिजाइन बना सकते हैं, फ्रिल में अच्छी खासी गैदर डाल के अपने कपड़े में लगा सकते हैं और काफी
बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना प्रेशर फुट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की नई नई वीडियो देखेंगे।